अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं, मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दे, और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर, असलियत जानना चाहती है तू तो चल चल मेरे साथ, इधर आ, ये देख ये है असलियत, ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनके माँ को, इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को, बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना, इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है? ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू था, इनको काय को नहीं काटा? इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला आला सैयदना मौलाना मुहम्मदीब व आला अले सैयदना मौलाना मुहम्मदीब व बारिक व सलीम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था, प्रताप मुझे माफ कर दो। हमदर्दी जता रहे हैं, साथ में टीवी वाले प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग आई है। कुछ सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नौ चल बे, ए नौ चल बे। अरे न चल बे क्या औलाद? अरे देश में, अरे पब्लिक भोर क्या है, भागो इधर से। बहुत हो गया तेरा ये नाटक, बंद कर लिखना और सुन मेरी बात।
तू है। हमने तो सोचा था कि इतना कुछ होने के बाद तो तू शर्म से ही मर जाएगी, लेकिन तू तो रंडी की औलाद, ज्यादा बोलेगा ना तो जबान खींच लूंगा साले। तू जबान खींचेगा मेरी? ये बहुत खतरनाक लोग हैं प्रताप। प्रताप छोड़ दो इन्हें। प्रताप प्रताप छोड़ दे, छोड़ दे प्रताप। गुंडा तेरे को रंडी बोलता है? कौन है तू? क्या असलियत है तेरी? कौन है तू? कौन है? कौन है? होली, 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 खून की होली। तुम लोग लड़की को ले जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। चल चल, कमीने, खबरदार जो मेरी बेटी को छुआ तो छोड़ दो मेरी बेटी को। बहुत उछलता है ना अपने कलम के जोर पे, हैं? कुछ भी लिख देता है अपने अखबार में, क्यों? लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। अगर जिंदा रहा तो तुझ जैसे गद्दारों के खिलाफ जरूर लिखूंगा। हाँ, लिखना जरूर लिखना, कल के अखबार में ये नाटक भी लिखना। हराम के, मैं आज तेरी आंखों के सामने तेरी इज्जत की धज्जा उड़ा दूंगा। कभी हराम के, देख लिया अपनी गलती का नतीजा? नतीजा तो तुझे मैं दिखाऊंगा हरामजादे। अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा।
जज साहब, शायद आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले ये गोल्ड मेडल आपने एम के गांधी लॉ कॉलेज की फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट मेघा दीक्षित को अपने हाथों से पहनाया था। आज वही गोल्ड मेडलिस्ट आपसे ये कहना चाहती है कि ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है, ये समाज के नाम पर एक कलंक है। He is a rapist, he is a murderer. इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को काट दिया। इस आदमी को हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। याना ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्लीज लेट मी फिनिश। मिस्टर मिर्चंदानी, इन्हें बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ मिस्टर मिर्चंदानी क्या कहने वाले हैं, क्योंकि कानून की सारी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि किताबों में जो भी लिखा होता है वो कोर्ट और कचहरी में नहीं होता। अब मिस्टर मिर्चंदानी मुझसे गवाह मांगेंगे, सबूत मांगेंगे, जिनकी खोखली बुनियाद पर यह कानून टिका हुआ है। हर ये तो उन वकीलों में से है जिनका पेशा यही है कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाए। इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो ये भी कह सकते हैं कि उस हादसे के दिन चतुर सिंह इस मुल्क में ही नहीं था। एग्जैक्टली योर ऑनर। तो फिर देर किस बात की है? वो नकली पासपोर्ट, नकली टिकट, नकली होटल का बिल जहां चतुर सिंह ठहरा था, वो जज साहब को दे दीजिए ताकि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। वो सारे सबूत इस फाइल में मौजूद है योर ऑनर। ये रहे वो सारे सबूत जो इन्हें निर्दोष। ब्रिलियंट मिस्टर मिर्चंदानी, ब्रिलियंट। मिस मेघा दीक्षित, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन झूठे सबूतों का गला घोटकर एक ऐसा सही फैसला सुनाए जिससे आने वाले कल में चतुर सिंह जैसे भेड़िए पैदा ना हो, जो फिर से समाज, कानून, औरतों और बच्चों के साथ खेलने की हिम्मत ना करे। योर ऑनर, कानून की शिक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते मिस मेघा दीक्षित दलीलें तो बहुत अच्छी कर लेती है, मगर वो शायद ये भूल गई है कि अदालत में दिल छू लेने वाली दलीलें नहीं चलती। देश को बेचने वाले गद्दार, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स का केस लड़ते लड़ते पैसों के लिए तुमने अपने आप को कानून के साथ बेच दिया है। तुम जैसे वकीलों का दिल होता है मिस्टर मिर्चंदानी? अरे तुमसे तो वैश्याएं अच्छी होती हैं, जो बेचती जरूर है मगर अपना जिस्म बेचती है, अपने देश को, अपनी आत्मा को, अपने ईमान को नहीं बेचती। तुम जैसे चंद वकील इस कानून और अदालत की तोहीन हो। अरे अगर मेरा बस चले तो मैं तुम सबकी डिग्रियां छीन लूं। मिस मेघा, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल? अरे क्या कंट्रोल करूं जज साहब, क्या कंट्रोल करूं? अरे एक लड़की की इज्जत लूट जाने के बाद भी अगर उसे रो रो कर अपने इंसाफ की भीख मांगनी पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून को और उसके रखवालों को। मिस मेघा, ये अदालत की तोहीन है। तुम इंसाफ मांगने आई हो या छीनने? जज साहब, किसने कहा कि इंसाफ मांगने से मिलता है? अरे इंसाफ ना ही मांगने से मिलता है और ना ही छीनने से। आज तो इंसाफ बिकता है, सिर्फ बिकता है। इसीलिए चतुर सिंह जैसे वैशी दरिंदे अपना सीना तान कर समाज में घूमते हैं, कानून को रुमाल समझकर अपनी जेब में रखते हैं। योर ऑनर, मिस मेघा दीक्षित बिना मतलब की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रही है, इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अरे ये क्या फैसला सुनाएंगे, क्या फैसला सुनाएंगे? ये फैसला मैं सुनाती हूँ। तमाम गवाहों के बयानात और सबूत की बिना पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि श्री चतुर सिंह जनता के सेवक बेकसूर है, इसलिए इन्हें बड़ा इज्जत भरी किया जाता है। यही नाम का फैसला जज साहब। मेरी बात सही निकली, जज ने उन झूठे गवाह और खोखले सबूतों की बुनियाद पर चतुर सिंह को छोड़ दिया, और मैं अदालत के कटहरे में खड़ी अपने देश के अपाहिज कानून को देखती रही। तू भी तो इस बस्ती में अकेला आया था, क्या तेरा अपना कोई नहीं है? ना माँ है, है या नहीं मालूम नहीं, और तू? कभी किसी को लूटा नहीं, आराम का खाया नहीं, बेवड़ा नहीं पीता, बीड़ी पीता हूं मुंह से बदबू आती है, सोच ले।
मारे गए ना, मेघा दीक्षित को पार्सल बनाकर लाने वाले थे ये हरामजादे, और खुद पार्सल बनकर चले आए। वशिरा, उस कुत्ते को सबक सिखाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि वो तो क्या पूरा का पूरा इलाका कांप उठे। लक्ष्मीदास जी, अपने माथे का पसीना पोंछ डालो और मेरी बताई हुई बातों को अपनी खोपड़ी में डालो, समझे? चलता हूं अब। क्या बात है बापू, कौन था वो आदमी? उसे यहां पहले तो कभी नहीं देखा। तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझसे मिलने को अजनबी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बापू, क्यों नहीं आ सकता? मगर उससे मिलने के बाद आप पसीने में तरबतर क्यों हो गए? सच बताओ बापू, बात क्या है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। आपकी लड़खड़ाती जबान ये बता रही है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बापू, अगर आपने सच निकाला आपको अपनी इकलौती बेटी की कसम है। कोई बात, किसने कहा तू मेरा इकलौता बेटा है? दो बेटे हैं मेरे, छोटा तू है और बड़ा प्रताप है। दनिया, सच बता, क्या बात है? तेरे एक नहीं दो दो बेटे जिंदा है, बता बात क्या है? नहीं वो तो है ना, वो तो है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, वो दो चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, जमीन और जायदाद। इसने योगराज की बेटी से प्यार किया और हम दोनों बापू ने मिलकर उसका धंधा कर डाला। धंधा, अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी है, और योगराज वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है, और मैं सीधा साधा व्यापारी। उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे होते आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है, अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तू जाके चाय बोल, पहले जाके चाय बोल, जा। प्रताप, मुझे लगता असली बात बापू गोल कर गए। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती अतुल। मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी खुशियों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर धन दौलत की हमें क्या कमी है? ममता, अगर तुम अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हो तो मैं भी अपने बापू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तो डर है कहीं अपने प्यार को। हमारे प्यार को कुछ नहीं हो सकता अतुल, कुछ नहीं। और एक बात मेरी भी सुन लो, अगर मेरे डैडी ने हमारे प्यार का सौदा किया है तो मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं और सब कुछ। मुझे क्यों याद किया? लक्ष्मीदास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है, वहां युवराज के साथ हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ये सूटकेस के अंदर
3 करोड़ रुपया कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्युनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोके उठाओ और ऐश करो। मगर ये मुझे Ha 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 ha